यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लास कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज चल रही है 4.2। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। एक कुटीर उद्योग है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है। कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दोगुने से तीन अधिक है। उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से तीन अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है, यानी बर्तन बनाने की कोई फैक्ट्री है। एक दिन में कुछ बर्तन बनते हैं। एक विशेष दिन में ऐसा देखा गया, यानी कि कोई विशेष दिन है, यानी उस दिन ज़्यादा प्रोडक्शन होना है या ज़्यादा बर्तनों का निर्माण होना है, कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से तीन अधिक है। तो मान लेते हैं विशेष दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है, ठीक है। नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन से निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दोगुने से तीन अधिक है, यानी कि 2x+3 बराबर एक नग, कितने रुपए। एक नग में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या दोगुने से तीन अधिक है, यानी रुपए में मतलब एक नग की जो लागत है वो 2x+3 रुपए है, ठीक है। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। एक नग की लागत ज्ञात करनी है। अच्छा, प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से तीन अधिक है, यानी एक नग निर्माण किए गए एक्स बर्तन 2x+3। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या एक्स निकालना है, प्रत्येक नग की लागत, तो एक नग की लागत इतनी है, यानी एक नग तैयार हुआ। प्रत्येक नग का निर्माण लागत, यानी एक दिन में नग कोई मतलब जो बर्तनों की संख्या है वो नग में शो कर रहे हैं, तो दोगुने से तीन अधिक है, ठीक है। एक नग की लागत है हमारी 2x+3 रुपये, यानी कि कुल निर्माण लागत है नग 90 रुपये। कुल निर्माण लागत निर्माण
लागत बराबर 90 रुपये, यानी एक दिन में एक नग बन रहा है, यानी कि 2x+3=90, यानी कि 2x=90-3 87। तो एक्स कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है। विशेष दिन में देखा गया है कि प्रत्येक नग के निर्माण एक नग में क्या होता है, कितना होता है नग में, क्लियर नहीं हो रहा है, एक नग में कितना है। प्रत्येक एक विशेष दिन में देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से अधिक है। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये, निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत ज्ञात करो। तो निर्मित बर्तनों की संख्या तो निकल आएगी, एक्स निकालना है, और एक्स यहाँ पे आएगी तो कट 87/2, यानी पूरा पूरा नहीं कट रहा है, पूरा पूरा कटना चाहिए था। अब नग में कितना होता है, नग में ऐसा तो नहीं 9 होता हो, एक नग में 9 कंफर्म, नग में कितना होता है, नग में 9 होता है कि 90 होता है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा नग पर, नग में अगर 9 है तो 9 बर्तन है, एक नग में 9 बर्तनों की लागत 2x+3, यानी कितने बर्तन बने, कुल बर्तन x हो जाएंगे, एक नग में 9, तो 9 की लागत 2x+3, तो x बराबर आ जाएगा, उस तरह से हम निकाल लेंगे कुल बर्तनों की संख्या निकाल लेंगे। डिपेंड नग पे करेगा कि नग में क्या है। तो इस क्वेश्चन में जो है कुल निर्माण लागत है 90 रुपये, और जो एक्स बर्तनों की निर्माण लागत है, कुल बर्तन बने एक्स, यानी एक्स बर्तनों की जो लागत है वो है 90 रुपये, एक्स बर्तनों की लागत 90 रुपये है। तो एक नग की लागत हम आसानी से निकाल सकते हैं, एक नग की लागत हो जाएगी 2x+3, एक नग की लागत है बराबर 2x+3, यानी कि 2x90+3, यानी कि 180 और 3 183 आ गया एक नग की लागत। अगर ये मालूम हो जाए कि एक नग कितनी संख्या के बराबर होता है, तो एक नग की जो लागत आई है 183, यानी 2x+3=183, तो वहाँ से x का मान हमको निकालना है। ऐसे तो x का मान ही 90 आ जा रहा है, परंतु वो एक्स बर्तनों की लागत 90 रुपये है, ठीक है। तो एक नग में ये तो 90 ही होंगे, हैं, तो वो कंफर्म नहीं है, इतना भी है, मतलब एक नग की लागत निकल चुकी है। प्रत्येक बर्तन की संख्या और बताएं, एक्स का मान और इसमें निकालना था, क्योंकि एक्स बर्तनों की लागत 90 है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, और इससे एक नग की लागत 183 रुपये आ चुकी है। अगर नग का पता हो कि एक नग बराबर कितना होता, मेरे को नहीं वैसे अभी कंफर्म नहीं है, वैसे कि 90 होना चाहिए, तो x बराबर 90 बर्तन बने हैं और एक नग में 90 होता है, तो x बराबर हो जाएगा 90 उसके अकॉर्डिंग, तो ठीक है। अब देखो क्या होता है, इस पर फिर से डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन पे, क्या कंडीशन बनती है।